आज अपने इस वीडियो में पीछे की जो बुलेट आती है, नहीं सॉरी वो क्लासिक या बुलेट है आपकी जो भी है, पीछे का जो डिस्क ब्रेक आती है, डिस्क ब्रेक का अपने पैड बदलने वाले, तो पहले चीज़ तो आपको वीडियो में बता दूँ कि जो ये कैसे मालूम पड़ेगा आपका घिस गया है। तो अगर आप ये देख पा रहे हो ये वाला, ये ज़्यादा डिस्क के पास आ जाए ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ डिस्क के साथ छूने लगी है। और ऐसे आपको भी विजुअल भी ऊपर से मालूम पड़ेगा घिस के आ गई है पास में, एक्चुअल में बराबर है मेरे में वाली जो दूसरी वाली है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा डिस्क के पास गई है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप इसको चलाते जाओगे तो ये डिस्क लोहा लग के कट जाएगी जो पैड का आता है, तो फिर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे चेक कर सकते हैं। मेरा पीछे का जब मैंने अभी तीसरी सर्विस कराई तब उसने बोला कि आपका घिस गया तो आप सर्विस स्टेशन लाना तो बदल देंगे। तो मेरे यहाँ से सर्विस स्टेशन बहुत दूर है, वहाँ लेके जाना मतलब टाइम अच्छा खासा पास हो जाना, ठीक है। और कैसे निकालते मैं बताता हूँ। फिर ये सेम चीज़ आगे है तो आगे का भी बराबर है, ये देख रहे हो, ये ठीक है। वो किसी और चीज़ में कभी बदलेंगे तो आप उसका शेयर करूँगा इसको कैसे बदलते हैं। पहले तो आज इसकी इधर बदलने वाला हूँ। तो रॉयल एनफील्ड का भी आता है, ऑनलाइन भी मैं चेक कर रहा था तो काफ़ी कुछ था, तो MRP को कई जो भी बहुत ज़्यादा थी, 200-250-300 रुपया अलग अलग भाव है। रॉयल एनफील्ड का तो महंगा ही होगा तो पक्का है। तो जैसे कार में क्या होता है कि जो कंपनी बनाती है, अभी ये कंपनी किस कंपनी का है, ये डिस्क ब्रेक एक ही कंपनी बनाती है, सब में यही लगभग लगता है, कंपनी का नाम खाम मार्क एक BY करके ऐसा कुछ नाम है, वही सेम है। वो पल्सर में भी उसी का लगता है, जैसे एंड्रेंस जंपर है ऐसा ही सेम ये भी है। तो जुगाड़ मैंने क्या किया, ये पल्सर का है, पल्सर में भी सेम लगता है मेरा, और जेन्युइन है जिस कंपनी का। अभी मैं पैकिंग निकालता हूँ उसमें से, ये चीज़ आपको दिखाऊँगा कैसे, तो अपने प्रोडक्ट की तब बात करेंगे। तो पहले इसको निकालना कैसे, बहुत आसान है। तो ये पिन है, दिख रही है, ये पिन ऐसे खींच लेना, खींचा गई ये पिन, ये लॉक निकल गए। जब ये है इसको धक्का देना है, धक्का दोगे पीछे से खींचना है, ये निकल गया, ये खींच के ये आ गया पैड बाहर। पीछे का भी ये तो आराम से निकल जाएगा। अभी पैड की कंडीशन देखो तो इधर ये वाला पैड है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें आया है, ये घिस के एकदम इधर पीछे वाला पतला हो गया और ये आगे मोटा, ये पीछे वाला छू जाएगा। तो उसमें बड़ा था 400-500 किलोमीटर आपकी चलेगी, मैं सोचा 400-500 किलोमीटर चलाने से अच्छा बदल दें, रिस्क क्यों लेना है। और 140 रुपये का पड़ा पल्सर का। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, पहले मेरा पुराना वाला, मैं जो बोला था BYBRE करके कंपनी वही बनाती सबका डिस्क पैड। अगर आप ध्यान से देखो जो इस पर नंबर लिखा है, फोकस नहीं होगा कैमरे में, RDE करके जो नंबर है वही सेम नंबर, ये भी वही है। और आप इसको प्रोडक्ट के साथ मैच करो, पुराना और नया सेम है, सोचो कॉस्टिंग का कितना बड़ा वो है नहीं, और नंबर भी अलग सेम है, ऐसा भी नहीं नंबर अलग है, ठीक है। तो कॉस्टिंग का लेके ये चीज़ हो जाती है, जुगाड़ करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सस्ते में पड़ जाएगा। ये तो मेरा सेटिंग का था कि चलो करते थोड़ा रिसर्च तो मालूम पड़ेगा। ये चीज़ शेयर की मैंने काफ़ी कुछ वीडियो भी देखा, कोई किसी ने शेयर किया हुआ चीज़ किसी ने अभी तक शेयर नहीं की है, ठीक है। पल्सर का लग जाएगा, डिज़ाइन भी सेम है। अब उसको बदलना कैसे है, ये कंडीशन उसी जैसी है जैसे अगर बॉस कोई प्रोडक्ट बेच रहा है अपने नाम पर तो सस्ती मिलेगी, अगर वही महिंद्रा या कोई कंपनी का बेचेगा तो महंगा पड़ेगा। तो उसको बदलने के लिए पहले ये जो डब्बी है इसको खोल दो, तो इसको लगाने का ट्रिक बता देता हूँ। इसमें जो दिखा दो सिलेंडर है, तो जब पैड घिसते जाता है तो सिलेंडर बाहर आता जाता है, इसलिए मैंने डिब्बी खोली क्योंकि ऑयल अब थोड़ा उसमें बढ़ेगा तो इसको दबाना है अंदर। तो दबाने की ट्रिक बता दूँ, तो एक पैड ले लो, एक पैड डालो गंदा तो चला जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसके बाद इसको दबाना है, इसको दबाना जो उसको दब जाएगा अपने हिसाब से, तो फिर दूसरा पैड डालोगे ना, अगर वो आराम से जा रहा है मतलब दब गया, अगर नहीं जा रहा है तो फिर से एक सेम चीज़ करनी है आपके साथ, ये अंदर डाल के हो गया, फिर इसको दबाना है। अब मैं इसको दबा के एकदम सेट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दब गया, तो अगर आपको पूरा दब जाएगा, यहाँ दिखा तो ये पूरा दब जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला डालो, देखो हमारे आराम से चला जाएगा, ये देखो आराम से बैठ गया, गिर जा रहा, देखो इतना जगह हो गई है। तो ये चीज़ ऐसे बिठा के दोनों को बिठा लेना, हो गया। अब इसके अंदर अपने को अपना सिलेंडर, ओ गुड, क्लिप निकाली थी वो डाल देना पहले,
बैठ गए। अब ये डंडी जो निकाली थी ये वाली, अब इसको डालना है पीछे से, ये हो गया, डंडी आ गई बाहर, ठीक है। और जो लॉक निकाले थे बहुत आसान है, इसको लॉक को जो इसका होल है, होल में ऐसे बैठ गया, सेम इस साइड भी होल है, ये हो गया, लग जाएगा आराम से। हाँ ढीला हो गया लगता है, लोग लग लगे थोड़े लोग ही लग गया दे। तो अब इधर आ जाते, इधर बताता हूँ कैसे करना है। फिर अब टेस्ट करते हैं अपने। तो पहले तो देखो, आप आपका रिजर्व में ऑयल बाहर आ, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका अगर मिनिमम से कम है तो टॉपअप कर लेना, डॉट फोर या डॉट थ्री डाल सकते हो। इसका प्ले करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि वैक्यूम में होता, कार में भी होता है, सेट करने के बाद इसको ऐसे पंप करके तभी जाके सेट होगा, पहली बार नीचे तक जाएगा। तब इसको टेस्ट करते कहीं आपका पैड तो नहीं पकड़ रहा है, अगर पैड पकड़ रहा होगा तो आपको एवरेज का कम प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ी हीट मारेगी, इतना पिकअप नहीं आएगा। तो ये बहुत आसान तरीका, घर पे आप बदल सकते हो। अब मुझे सर्विस स्टेशन जाना पड़ा तो बहुत महंगा नहीं पड़ता, बहुत टाइम जाता मेरा, तो ये अपने कर दिए, ठीक है। ऐसे आप घर पे ही बदल सकते हो, पल्सर का चल जाएगा, ये मेन चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे मैंने शेयर की आपके साथ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।